अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मेकअप की चीज़ें शेयर करूंगी जो बहुत चीप प्राइस में है और इजीली आप उनको बाय कर सकते हो, और जिन बच्चियों की शादी होने वाली है उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा कि उनके पाउच में क्या क्या होना चाहिए उनके बैग में, ठीक है। और जो बच्चियां ऑफिस के लिए जाती हैं या जो जॉब पे जाती हैं उनको अपने आप को किस तरह ग्रूम करना है, तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ, और मैं आपको डिटेल बताती हूँ अब इन चीज़ों की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये है जी सनब्लॉक, ठीक है। सनब्लॉक जो है ना, सनब्लॉक लगा के ऊपर आपने सारी चीज़ें लगानी है। ये सनब्लॉक है और इसके आप स्पेलिंग देख ले, यूवियन इसका नाम है, SPF 60 में है। इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं, आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करता है और स्किन का जो कलर है ना उसको इवन टोन करता है, ब्राइट करता है, ठीक है। ये है जी यूवियन का सनब्लॉक, बेस्ट रिज़ल्ट है इसके और बहुत चीप प्राइस है। और सेकंड नंबर पे हम लगाएंगे पेंट स्टिक। पेंट स्टिक जो है इसका नंबर है मेरे पास FS45, थोड़ा ब्लर आ रहा है, FS45, ठीक है। आप मेरे पास तो पेंट स्टिक मौजूद है तो मैं पेंट स्टिक भी यूज़ कर लेती हूँ। आप अगर चाहें तो लिक्विड फाउंडेशन लगा सकते हो, ठीक है। लिक्विड फाउंडेशन में मुसर्रत मिसबा की लिक्विड फाउंडेशन और फिटमी की लिक्विड फाउंडेशन बहुत अच्छी है, आप अपने कलर के हिसाब से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, अगर आप एक दफ़ा ले लो तो ये काफ़ी टाइम निकाल देती है, ठीक है। तो अब तो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं रही, फाउंडेशंस जितनी हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेंगी आपको, बाकी चीज़ों के प्राइस बहुत लो हैं। तो ये है जी FS45, ये हर कलर को सूट कर जाता है। इसके अलावा मेरे पास है ब्लश ऑन, ये ब्लश ऑन बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है इस ब्लश ऑन का, और ये ब्लश ऑन है रिवाज का, इसका कलर नंबर है 17, ठीक है। ये आई थिंक 800 तक का मिलेगा आपको। और जो है ये मिस रोज का है आईलाइनर, जेल आईलाइनर, ये इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, चीप प्राइस है, 300-350 तक इजीली आपको मिल जाएगा। बस आपने इसको कवर करके रखना है ताकि ये ड्राई ना हो, आँख के अंदर भी इजीली लग जाता है ये और आँख के बाहर भी लग जाता है और फैलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जी हमें चाहिए लिपस्टिक। लिपस्टिक का ये बहुत ही खूबसूरत शेड है और इसका कलर नंबर है 06, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर कर रहा है कैमरा, 06 इसका नंबर है और ये गैबरीनी ब्रांड की लिपस्टिक है, मुझे ये गिफ्ट में आई थी। इसका जो रिज़ल्ट है ना, मतलब ये लगी हुई बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल सा पिंक कलर लगता है। और रह गया जी हमारा मस्कारा। मस्कारा जो है ये है मेबलिन का, पता नहीं ये ब्लर क्यों कर रहा है कैमरा, मेबलिन का मस्कारा है, इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। और आई पेंसिल जो नॉर्मल लोकल सी आई पेंसिल है 100 रुपीज़ तक की आपको मिल जाएगी। और जी ये है ब्लश, ये सॉरी हाइलाइटर, इसका ढक्कन मेरे से अभी टूट गया है, हाइलाइटर है ग्लैमरस का, बेस्ट रिज़ल्ट है, मैं ब्राइडल मेकअप में भी ये यूज़ करती हूँ, और 112, ठीक है, बहुत ही अच्छा ये हाइलाइटिंग के लिए यूज़ होता है। और ब्रशेज आपको एक चाहिए ब्लश ऑन के लिए चाहिए और ये चाहिए लाइनर के लिए, इतना सा मेकअप का सामान है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा आई शेड्स किट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो ब्लश ऑन आप फेस पे लगाते हो वही ब्लश ऑन आप अपनी आईज पे लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि डेली मेकअप के बारे में मैं बता रही हूँ, कोई पार्टी मेकअप के बारे में डिस्कस नहीं हो रही यहाँ पे। अगर आपने डेली रूटीन में मेकअप करना है और आपकी न्यू शादी हुई है तो उसके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये जो है ना रिवाज का ब्लश ऑन, इस पर आप देखें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये आई शेडो के तौर पे भी यूज़ होता है, आई शेडो एंड ब्लश ऑन पाउडर, ठीक है, आई शेडो एंड ब्लश ऑन ब्लश पाउडर। तो ये बेस्ट है आईज़ के लिए भी और ब्लश के लिए भी। और हाइलाइटर अगर ये लगाएंगे तो हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ग्लैमरस का हाइलाइटर है, मिस रोज़ का कंसीलर है और टीवी पेंट स्टिक है।
आज ना कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, पता नहीं इसको क्या मसला हो रहा है। गैबरीनी की लिपस्टिक है 06 नंबर, और ये सारी वो शेड्स हैं जो कि नेचुरल लुक देते हैं, ठीक है। आपको मेकअप तो किया होता है लेकिन नो मेकअप लुक आती है, तो इन सब के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मेरी तरफ़ से फुली रिकमेंडेड हैं आपको। अब मैं पाउच बना के दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इनका पाउच बना के, एक आप इस तरह का बैग लें छोटा सा और उसके अंदर ये सारी चीज़ें रखें वन बाय वन, ठीक है। आपने देख ली कितनी चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तकरीबन 8 चीज़ें चाहिए आपको। आपको बहुत ज़्यादा किट्स नहीं चाहिए होती मेकअप की, जो आप लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा मेकअप इकट्ठा कर लेते हो, तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप ले लें, आपका अच्छे से गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ, अब हम इसको डालेंगे एक पाउच में, इस तरह का आपने छोटा सा पाउच ले लेना है, ठीक है। और वन बाय वन इसके अंदर ये सारी चीज़ें डालेंगे। चीज़ें डालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका स्वेचेस दिखा देती हूँ। लिपस्टिक ये किस कलर में है, ठीक है, इसको करेंगे बंद और इसको हम रखेंगे इस बैग में, ठीक है। वन, और ये हमारा है जी स्टिक, इसका भी मैं आपको स्वेच दिखा देती हूँ ये किस कलर की फाउंडेशन है। ज़्यादा वाइट वाली फाउंडेशन ना लें कि आपका, जैसे यहाँ पे ठीक से नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इसको भी हम करते हैं बंद और डालते हैं पाउच के अंदर। ये हमारी सेकंड चीज़ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम डालते हैं ये हमारा SPF 60 वाला सनब्लॉक यूवियन और मिस रोज़ का लाइनर, इसका भी मैं आपको स्वैच दिखा देती हूँ। ये देखें कितना डार्क ब्लैक है, ठीक है। क्रीमी टेक्सचर में है, इजीली लग जाता है, बहुत बारीक से लेके जितना थिक आप लगाना चाहोगे लग जाएगा, आँख के अंदर भी लग जाता है। और इसको भी हम डालेंगे अब अपने पाउच में, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये है जी मिस रोज़ का कंसीलर, ये भी बहुत चीप प्राइस में मिल जाएगा, 450 तक के इसके प्राइस हैं, ठीक है। ये भी डालेंगे बैग के अंदर। नेक्स्ट ये जो मैंने एक चीज़ है ये आपको नहीं दिखाई, ये ब्लश ऑन है, ठीक है। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था और आई थिंक 250 तक का था, ये पिंक कलर में ब्लश ऑन। कई दफ़ा जो चीप प्राइस की चीज़ें होती हैं ना उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। एक ये ब्लश ऑन है, इसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देख कितना शिमरी और शाइनी ये ब्लश ऑन है, ठीक है। ये रिवाज यूके का, आई शेडो के तौर पे भी यूज़ हो जाएगा और ब्लश के तौर पे भी, ये ब्लश ऑन जाएंगे बैग के अंदर। नेक्स्ट है मस्कारा, मस्कारा मेबलिन का, इसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा है, थिक लैशेस लगती हैं इससे, ये भी जाएगा बैग में। नेक्स्ट हम डालते हैं ये पेंसिल, ठीक है, ये तो हर शॉप से मिल जाती है इजीली, ये डालते हैं अपने बैग के अंदर। एक डालते हैं ब्लश ऑन वाला ब्रश, लास्ट हमारा रह गया शाइनर, इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ठीक है, ये हाइलाइटर है, ब्राइडल मेकअप में, पार्टी मेकअप्स में, कैजुअली ये हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट आपके सामने है, ग्लैमरस का हाइलाइटर है 112, ये भी जाएगा बैग के अंदर। ये सब चीज़ें बैग में रख ली और अब हम करेंगे बैग को बंद। इतना सा हमें सिर्फ मेकअप का सामान चाहिए और हमारा बैग है रेडी। और इस तरह का बैग बनाकर आप अपने हैंड बैग में रख सकते हैं या अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ों से आप अपना फुल मेकअप कर सकते हैं, नो मेकअप लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।